है एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। जैसा कि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग करियर, यानी कि ये वीडियो उनके लिए खास होने वाली है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से या तो बीटेक किए हुए हैं या फिर वो डिप्लोमा किए हुए हैं। साथ ही साथ ये वीडियो उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाली है जो ITI किए हुए हैं और फीटा टर्नर और मशीनिस्ट से किए हुए हैं। आज के वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स पे हम कवर करेंगे और जानेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेहतर हो सकता है और किस डिपार्टमेंट में हमारा जो करियर ग्रोथ है वो बढ़िया है और किस में ज़्यादा हमें ग्रोथ मिलती है, सैलरी पैकेज किस में बहुत ज़्यादा है, किस में हमारा जो है, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है मोस्ट, जो हमने 5 टॉपिक ले रखे हैं, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि जो मैकेनिकल इंजीनियर का जो करियर है वो उसका जो स्कोप है वो इंडिया में कितना है, क्या है इंडिया में स्कोप क्या है मैकेनिकल इंजीनियर का। उसी तरीके से बेस्ट डिपार्टमेंट आपके लिए क्या हो सकता है, हायर सैलरी जो होती है वो कौन से डिपार्टमेंट में हायर सबसे ज़्यादा हायर सैलरी पेबल होती है, और हायर करियर ग्रोथ, जो करियर ग्रोथ होता है कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा होता है, और 5वां जो पॉइंट है वो है बेस्ट कंफर्ट डिपार्टमेंट। बेस्ट कंफर्ट डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि वो डिपार्टमेंट जिसमें हम कुछ आरामदायक और डेली रूटीन में, एक जो कहते हैं ना 9 to 5 की जॉब हम करने के लिए कर सकते हैं और आराम से हम एक अच्छा प्रोफेशनल लाइफ जी सकते हैं। आज का वीडियो खास इसलिए भी होने वाला है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स रहते हैं कि करियर का जो चुनाव है वो कैसे करें। तो करियर का चुनाव करने से पहले जब भी हम इस फील्ड में आप कदम रखते हैं, यानी कि जब हम कोई फॉर्म डालते हैं या फिर हम प्लानिंग करते हैं कि हमें करियर बनाना है अपना कौन से डिपार्टमेंट में या किस फील्ड में करियर बनाना है, वहाँ से ये जर्नी शुरू होती है। तो जब भी हम या तो डिप्लोमा का सोचते हैं या फिर बीटेक करने के लिए सोचते हैं तो वहाँ हम सबसे पहले चुनाव करते हैं अपने डिपार्टमेंट का। तो वहाँ पर हम कभी कभार होता है कि हम जल्दबाजी में कहीं ना कहीं दूसरे के बिहाफ पर या दूसरे की देखी देखा के हिसाब पर हम अपने डिपार्टमेंट का चुनाव कर लेते हैं और उसके बारे में हमें कोई अच्छी नॉलेज नहीं होती है। हमें क्या होता है, हमारे पेरेंट्स के द्वारा या फिर हमारे जो रिलेटिव है या कोई कलीग है उसके द्वारा हमें ये पता चल जाता है, उनको देख करके उनके बातों में आ करके हम जनरली जो 90% लोग होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट का चुनाव कर लेते हैं। बट क्या है कि अपने डिपार्टमेंट का जब भी आपको चुनाव करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें फैक्ट पर रिसर्च करके करना है, यानी कि आपको एनालाइज करनी है कि कौन से डिपार्टमेंट का आने वाले फ्यूचर में या फिर जो आने वाला टाइम है कौन से डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है, कि यानी कि जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है कौन से डिपार्टमेंट में है और जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है। ये भी मैटर करता है कि आप कौन से फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं या आपका मोटिव है गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का, उस हिसाब से भी आपका जो चुनाव होना चाहिए इस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। बहरहाल आज की वीडियो के का जो टॉपिक है वो है सिर्फ एक मैकेनिकल इंजीनियर का करियर, यानी कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर बना ही लिया है या फिर स्टडी कर रहे हैं या फिर आपने जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है, या फिर ऑलरेडी आप एक इंडस्ट्री में आ चुके हो, तो आपको कौन से डिपार्टमेंट का चुनाव करना है और इसके लिए आपको कौन सी बातों को विशेष रूप से ध्यान देना है उस पर हम बातें करेंगे। साथ ही साथ सैलरी का के बारे में हम बातें करेंगे, करियर ग्रोथ के बारे में बातें करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ये चीज़ें मैंने बता दी है। अब बात कर लेते हैं आज का जो हम डिपार्टमेंट बता रहे हैं वो टॉप 10 डिपार्टमेंट है एज ए ऑटोमोबाइल सेक्टर में, यानी कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है
उसमें जो टॉप 10 डिपार्टमेंट होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा सैलरी पेबल है, या फिर सबसे कंफर्ट डिपार्टमेंट है, या फिर उसमें कौन से डिपार्टमेंट में हम एक अच्छा ग्रोथ मिलता है, फ्यूचर किस डिपार्टमेंट में है, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में और अच्छी तरीके से समझेंगे। भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोगों को वीडियो में बने रहना है, और अंत तक अगर आप बनते हैं तो आपके जो डाउट्स रहते हैं कहीं ना कहीं आपके डाउट्स जो होंगे बहुत हद तक कम हो जाएंगे, और आप करियर का चुनाव अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले बात आती है, मान लीजिए आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से डिप्लोमा बीटेक या बीटेक कर लिया है, डिप्लोमा या बीटेक कर लिया है, तो आपको कौन से सेक्टर का चुनाव करना है। यानी कि जो मैकेनिकल वाला है वो डिफेंस सेक्टर में भी जा सकता है एज ए गवर्नमेंट के रूप में, बट आज का जो हम वीडियो है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट सेक्टर में बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का करने का जो 90% लोगों का होता है वो प्राइवेट सेक्टर में जाने का होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर में होता है जॉब की अवेलेबिलिटी इस डिपार्टमेंट के लिए अदर के कंपैरिजन में बहुत लो होता है, वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, तो लोगों को इस बात को भी ध्यान में रख करके अपने डिपार्टमेंट का चुनाव करना चाहिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम प्राइवेट सेक्टर को ध्यान में रख करके बात करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें वो एरियाज हैं जिसमें हम मैकेनिकल इंजीनियर जा सकते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, या फिर फार्मास्यूटिकल्स में जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल एक बहुत ही अब्रॉड फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, साथ ही साथ आप यानी कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं। अब आपको ये चुनना है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए है, यानी कि आपका किस एरियाज में जॉब की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, या फिर आप इस पर भी फोकस करोगे कि करियर ग्रोथ क्या है, वो कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है, कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो सबसे ज़्यादा जो जॉब प्रोवाइड करता है मैकेनिकल इंजीनियर को वो कहता है ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रोवाइड करता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहाँ पर एक सुई बनाने से लेकर के जहाज़ बनाने तक का निर्माण होता है। तो इसमें जो भी काम करता है वो एक यानी कि सुई बनाने से लेकर के जहाज़ बनाने तक के कामों में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर का ही होता है। तो इसका जो फील्ड है वो बहुत अब्रॉड है, चाहे इंडिया में हो या फिर आउट ऑफ कंट्री हो या पूरी दुनिया में हो, बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। आज के समय में आप देख पा रहे होंगे कि अगर जो एक मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो, सबको एक बाइक ज़रूर चाहिए, उन्हें एक वक्त की रोटी ना मिले बट बाइक चाहिए ही चाहिए। तो आजकल क्या है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हीरो मोटोकॉर्प है या फिर टॉप 10 हमारी टू व्हीलर कंपनी है, होंडा है, सुजुकी है, या फिर बजाज मोटर्स है, ये कितनी बाइकें बेच रही हैं, कितनी ज़बरदस्त ये बाइक सेल कर रही हैं। आप देखोगे जहाँ पे लोगों के हर घर में पहले जैसे साइकिल हुआ करती थी, आज के ज़माने में हर गांव में चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे कच्चा मकान हो, या फिर बड़े मकान हो, या फिर एक बड़ा परिवार हो, सबके घर में टू व्हीलर्स का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सबकी ख्वाहिश होती है कि हम कुछ कमा करके फोर व्हीलर ज़रूर ले लें। तो उसके लिए क्या होता है, लोग क्या होता है कि इसका जो निर्माण करती है यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही इसका निर्माण होता है, चाहे वो टू व्हीलर हो गया या फिर फोर व्हीलर हो गया। ये ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है ये बहुत ही एक बड़ा सेक्टर है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा नियर अबाउट लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करता है। ये हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल होते हैं लोगों के वो ये होते हैं कि जॉब कैसे मिलेगी। तो जब भी हम
कॉलेज में अपना दाखिला लेते हैं या फिर हम एडमिशन लेते हैं, तो जो जिनकी रैंक सबसे ज़्यादा हायर होती है उनको जो टॉप 10 कॉलेज मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कैंपस के थ्रू उन्हें जॉब मिल जाती है। बट वो देखा जाए कि 100% में से 10% लोगों को ही कैंपस सिलेक्शन मिल पाता है, बाकी 90% लोगों को अपने आप से जॉब को सर्च करना पड़ता है। उसमें क्या है, उसमें क्या है, आपको उस लोकेशन पे जा करके, यानी जहाँ पे ये जॉब की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे जा करके आपको जॉब सर्च करना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों से मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है लगभग नियर अबाउट 7 सालों का, उसके बेस पे मैंने जो एनालिसिस किया है या फिर जो मैंने देखा है, जो मेरे 7 साल के करियर में जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके बेसिस के हिसाब से बेस्ट डिपार्टमेंट क्या हो सकता है वो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इस पर आप अगर सहमत भी हो सकते हैं, और अगर आप आपको लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है तो आप असहमत भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं स्कोप इन इंडिया में। तो स्कोप इन इंडिया में क्या है कि आने वाले टाइम में क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट होने वाला है इंडिया में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के जो यूपी का एनसीआर एरिया है, ग्रेटर नोएडा या नोएडा, एक मोबाइल हब के रूप में बन चुका है और दुनिया में नंबर 1 पर नियर बाय चल रहा है। तो इस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी आने वाले टाइम में इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है और बहुत सारी इंडस्ट्रियां इंडिया की तरफ रुख कर रही हैं, क्योंकि आने वाले जो टाइम है 2030 तक नियर अबाउट इंडिया का जो पॉपुलेशन हो जाएगा वो चाइना को भी क्रॉस कर जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा मार्केट हो जाएगा इंडिया। इसी वजह से दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखे हैं वो भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, वो इंडिया में अपने इन्वेस्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी कंपनियां भारत में लॉन्च कर रहे हैं, जिससे क्या है कि जॉब की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोगों के रोज़गार के साधन उपलब्ध हो पाएंगे। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का करियर है वो बहुत अब्रॉड है, बहुत ज़्यादा जॉब की अवेलेबिलिटी है और इसमें क्या है, आप जल्दी क्या है जॉब ले सकते हैं गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो टॉप 10 डिपार्टमेंट होता है उसके बारे में हम अच्छे तरीके से समझेंगे। बेस्ट डिपार्टमेंट ये क्या है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ये हमने जो लिया है ये एक एवरेज एनालिसिस करके लिया है कि जो बेस्ट डिपार्टमेंट है लोगों का वो क्या होता है, और मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे जो हम बेस्ट डिपार्टमेंट है वो मैं क्यों इसको ले रहा हूँ इसके बारे में बताऊँगा। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस वजह से बेस्ट डिपार्टमेंट है क्योंकि इसमें जो ग्रोथ है, करियर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इस वजह से है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो बंदा होता है वो नीचे लेवल से वर्क करके एक प्लांट हेड के तक के लेवल तक जा सकता है। बट कि क्या है, क्वालिटी इंजीनियर जो होता है यानी क्वालिटी डिपार्टमेंट का जो बंदा होता है वो उसके जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं प्लांट हेड बनने के। तो मोस्टली जो प्लांट हेड बनता है या फिर यूनिट हेड बनता है, जोनल हेड बनता है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बंदा होता है या फिर PDC डिपार्टमेंट का बंदा होता है, मोस्टली जो मैंने देखा है इंडस्ट्री में उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा। तो बेस्ट डिपार्टमेंट मेरे अकॉर्डिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है। हाँ, हर डिपार्टमेंट का अपना एक चैलेंजेस है, उसके लाभ और हानि दोनों हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में क्या है, ये एक वाइट कलर जॉब है। कहने का मतलब ये है कि आप एक जाते हो एक ऑफिस में, आपका एक काम होता है, आप बैठ करके एक ऑफिशियल वर्क कर सकते हो, बट क्या है आपको इसमें बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। इसमें आपको कैटिया
से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसके बारे में आपको आपकी स्किल्ड सीखना पड़ता है, अपने आप को स्किल्ड बनाना पड़ता है, तब जा करके आप इस टाइप के डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट होता है बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है और जिसमें हम R&D करते हैं और बहुत सारे जो हमारे कंपोनेंट बनते हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे जो सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का, यानी जो पार्ट का डिज़ाइन किया जाता है वो इसी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है, एक बढ़िया डिपार्टमेंट है। और बट क्या है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये डिपार्टमेंट एक कुछ आगे तक जाने के बाद इसमें जो होता है आधा इसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में जो सैलरी ग्रोथ है आगे जाने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ये बंदा कभी भी प्लांट हेड या फिर जोनल हेड या फिर CEO वगैरह नहीं बन पाता है। ठीक है, प्रॉफिट क्या है, अगर आप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप एक आदर्श यानी जॉब के साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि उनका थोड़ा सा इसके प्रति जो वो होता है वो बड़ा अलग हो जाता है कि इस डिपार्टमेंट में बहुत ये डिपार्टमेंट बहुत ही हार्ड डिपार्टमेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। बट क्या है, अगर आपको एक हार्ड वर्किंग करना पड़ता है तो इसके प्रॉफिट भी है, इसमें जॉब की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ अगर आपने एक स्किल्ड आपने अच्छे तरीके से अपने आप को इस डिपार्टमेंट में अच्छे से आपने काम किया है तो जॉब की कमी कभी नहीं रहेगी आपको, आप हमेशा आपको इस डिपार्टमेंट में जॉब मिलती रहेगी। आप कह सकते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है एवरग्रीन डिपार्टमेंट है, साथ ही साथ ये जो डिपार्टमेंट है आपको एक अच्छी सैलरी पैकेज भी प्रोवाइड कराता है। तो इस डिपार्टमेंट में अगर आप शुरू करते हैं एज ए फ्रेशर के रूप में तो 10-15 हज़ार से शुरू करके आप लाखों रुपए तक की सैलरी पैकेज पे आप जा सकते हैं। जो कि R&D डिपार्टमेंट में यहाँ पे क्या है कि शुरू में जो आपकी सैलरी होगी वो 20-25 हज़ार से होकर के आप एक अच्छे अगर बढ़िया डिज़ाइनर हो गए, बढ़िया डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का काम जानते हैं, तब जा करके आपको एक 70-80 हज़ार रुपये का सैलरी ऑफर होता है। बट क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपका ग्रोथ जो है करियर ग्रोथ है वो आप अपने स्किल्ड को इम्प्रूव करते जा रहे हो, आप हमेशा क्या है आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहे हो, तो आप क्या है कि यहाँ से 10 हज़ार से आप 5 लाख तक के सैलरी पैकेज पर जा सकते हो, वो आपके एक्सपर्ट और आपके लगन और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट का। क्वालिटी जो मोस्टली मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जो बीटेक के बंदे होते हैं वो मोस्टली क्या है क्वालिटी डिपार्टमेंट को चूज़ करते हैं। होता यूँ है कि क्वालिटी डिपार्टमेंट के चूज़ करने के पीछे कि मुझे जो है 100 फ्लोर में मशीनें नहीं चलानी है, यानी कि मशीनों के पीछे अपना दिमाग नहीं खपाना है। ठीक है, मैं एक डॉक्यूमेंट टाइप का जॉब करूंगा, यानी कि कोई कागज़ पे लिखना पढ़ना या फिर चेक करना है तो उससे रिलेटेड हम जॉब करेंगे। तो मोस्टली जो बीटेक मैंने देखा है बीटेक होल्डर होते हैं वो क्वालिटी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं। उसमें क्या होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो क्वालिटी को चेक करना होता है और क्वालिटी को इंश्योर करना होता है कि जो कस्टमर है उसको जो रिक्वायरमेंट है क्वालिटी की, एज़ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो क्वालिटी होती है वो किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को जो बढ़ाती है वो क्वालिटी ही बढ़ाती है, यानी कि बिना क्वालिटी के कोई भी प्रोडक्ट वेस्टेज ही माना जाता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट के फायदे ये हैं कि आपको 100 फ्लोर में मोस्टली क्या है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके जैसे ऑडिट्स हो गया, 5 कोर टूल्स हो गया, PPAP वगैरह हो गया, जो क्वालिटी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होता है। आप उसी तरीके से आप मोस्टली क्या है जो वर्क होता है आपका वो उसी से रिलेटेड या फिर जॉब क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका वर्क होता है। बट इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वही स्टार्टिंग सैलरी सेम लगभग 10-15 हज़ार होती है। बट क्या है, इसमें अगर डिपेंड करता है कि इंडियन कंपनी
इंडियन कंपनी या मींस क्या है कि लाला, जिसे हम बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फेमस वर्डिंग है जो लाला छाप कंपनी। तो लाला छाप कंपनी में जो क्वालिटी डिपार्टमेंट का है वो डिमांड थोड़ा, यानी सैलरी ग्रोथ कम है एज कम्पेयर एमएनसी कंपनी के। एमएनसी कंपनी में सारे डिपार्टमेंट को तवज्जो दी जाती है, यानी जो हर डिपार्टमेंट का एक अपना वैल्यू होता है। तो एमएनसी कंपनी में जो क्वालिटी डिपार्टमेंट का है वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा वैल्यू है, यानी कि उसकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी जो पावर होती है मशीनों को खड़ी करा सकती है, प्रोडक्शन को रोक सकती है अगर एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट का एक क्वालिटी डिपार्टमेंट में क्या है, एक टाइम पे ऐसा आएगा जब आप क्या है कि सैलरी ग्रोथ आपकी थोड़े से कम हो जाएगी। यानी कि अगर आप एमएनसी ज्वाइन कर लिए तो एमएनसी में तो सैलरी ग्रोथ आपको मिल जाएगी, बट इंडिया में क्या है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो इंडियन बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ पे क्या है आपकी सैलरी ग्रोथ थोड़ा कम रहने वाली है। उसमें ही बहुत कम लोग प्लांट हेड या फिर यूनिट हेड बन पाते हैं। तो अपने चौथे डिपार्टमेंट की तरफ जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलती है। मेंटेनेंस से इसका जो स्कोप है कभी भी कम नहीं होगा। अगर ऑटोमेशन आ भी गया तो इसका स्कोप कभी कम नहीं होगा, क्योंकि चाहे ऑटोमेशन हो जाए, चाहे रोबोट आ जाए या किसी टाइप का ऑटोमेशन आ जाए, बट वहाँ पे मशीनों को मेंटेनेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका स्कोप चाहे आने वाले टाइम में कम नहीं होने वाला है। बट क्या है कि अगर इसमें क्या है कि अगर मशीनें आपको सब कुछ सही चल रहा है तब तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपकी मशीनें ब्रेकडाउन में है तो यहाँ पे क्या है आपको पूरा फोकस होकर के आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि जब मशीनें ब्रेकडाउन में रहेंगी तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुक जाएगा तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि आपको जल्दी से जल्दी मशीन को रिस्टोर करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करना। और जब तक आप मशीन को हैंड ओवर नहीं करेंगे प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो टर्नओवर है वो हम उस टर्नओवर को कंप्लीट फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कभी कभार आपका जो पर्सनल लाइफ होता है वो भी अफेक्टेड हो जाता है। यानी कि अगर आपकी मशीनें ओके नहीं हुई तो आपको रुकना भी पड़ सकता है। साथ ही साथ ये आपको आपके हाथ जो हैं काले पीले हो सकते हैं, आपको क्या है कि मशीनों में हाथ डालने पड़ सकते हैं, यानी कि आपको उसको मशीनों में जो गंदगी होती है उसको भी साफ करना पड़ सकता है। बट क्या है कि इसमें जो करियर ग्रोथ है वो अच्छा खासा है, सैलरी ग्रोथ भी इसमें बढ़िया है, और जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, जॉब की अवेलेबिलिटी है वो अच्छा, एक सूटेबल जॉब की अवेलेबिलिटी है, अच्छा खासा डिमांड है, यानी कि अच्छा खासा जॉब अवेलेबल है इसमें। तो आप एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि अगर आपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में अपने आप को स्टेबल कर लिया या बहुत सारी स्किल को डेवलप कर लिया तो आप एक पार्ट टाइम जॉब या फिर पार्ट टाइम सर्विस जॉब आप दे सकते हैं, और अदर काम साथ ही साथ आप कर सकते हैं या फिर अपनी कोई शॉप खोल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें डिपार्टमेंट की तरफ जो पीपीसी डिपार्टमेंट है। पीपीसी जो भी शेड्यूल होता है कंपनी का, क्या कितना प्रोडक्ट बनना है, कितना प्रोडक्ट जाना है, पूरे मंथ का, पूरे साल का जो प्लानिंग होती है वो क्या होती है पीपीसी के द्वारा की जाती है, यानी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी डिपार्टमेंट अच्छा डिपार्टमेंट है, बट क्या है इसमें जॉब की अवेलेबिलिटी कम है। अगर सैलरी के ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो सैलरी ग्रोथ भी इसमें ठीक ठाक है, बट अदर के कंपेरिजन में इसमें सैलरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप इसमें भी जा सकते हैं पीपीसी डिपार्टमेंट में। मोस्टली इसमें जो वर्क होता है आपको सैप, एक सैप आना चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको जो हमारे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कागज होते हैं या गेट जीआर होते हैं या जीआरपी होती है, उस टाइप के डॉक्यूमेंट आपको आने चाहिए। तो आप अगर कंप्यूटर से रिलेटेड आपके स्किल्ड हैं, कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है तो आप इस डिपार्टमेंट में जा सकते हो। और ये सिटिंग जॉब
है जिसमें आप अच्छी तरीके से जॉब कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट को तभी आपको चुनना चाहिए जब आप आउटडोर जॉब करने के लिए रेडी हो, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के लिए आपको मोस्टली क्या है, आपका जो टाइम होता है आपका आउटडोर ड्यूटी होती है, यानी कि आपकी जो काम होता है वो आपके प्रोडक्ट को बेचना होता है, साथ ही साथ आपके अपनी कंपनी के लिए ऑर्डर्स वगैरह लाना है। अब बात करते हैं अगले जो हमारा डिपार्टमेंट है वो है सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मशीनरी हैं जो क्या है कि अपने प्रोडक्ट बेचती हैं, यानी कि मशीन, अगर मान लीजिए कोई मशीन है या ड्रिलिंग मशीन है या बीएमसी मशीन है, उसको कोई मशीन एक बेच रहा है, यानी कि हम कस्टमर किसी कंपनी को बेच रहे हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसको वहाँ से उठा के अपने ऑफिस पे ले आना या फिर अपने कंपनी में ले आकर के उसकी सर्विस कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए क्या है कि सर्विस इंजीनियर रखे जाते हैं, बहुत सारे सर्विस इंजीनियर होते हैं जो एरिया वाइज काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग, आपको अलग अलग डिफरेंस लोकेशन में जाना पड़ सकता है, साथ ही साथ आप नए नए लोगों से इंटरेक्ट होते हो और आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है और अपने आप एक कम्युनिकेशन बॉन्डिंग भी बना सकते हो, साथ ही साथ आप जो है इस फील्ड में एक अच्छा करियर ग्रोथ आपका हो सकता है। और इसमें क्या है कि आपकी जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट एक मिला जुला ठीक ठाक सैलरी ग्रोथ है। जो पॉइंट है वो प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो जब भी कोई नया पार्ट आता है तो हम कंपनी में जो प्रोसेस का काम होता है, यानी कंप्लीट जो प्रोसेस उसमें होना है उसकी जो काम डेवलपमेंट का जो काम करता है वो प्रोसेस डिपार्टमेंट करता है। इसमें क्या है, प्रोसेस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि उस पार्ट से रिलेटेड जो भी कंपनी की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है और प्रोसेस जो बनता है, यानी कि मशीनिंग जो होनी होती है, वो क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर होता है। तो ये भी डिपार्टमेंट एक अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है इंडस्ट्री में और एक अच्छा वाइट कलर जॉब है जिसमें आप शॉप फ्लोर में और ऑफिशियल जॉब दोनों कर सकते हैं, दोनों में आप इन्वॉल्व रहते हो। और दो इसमें क्या है कि आप शॉप फ्लोर में भी जा के काम करते हो और डॉक्यूमेंट का भी काम करते हो, तो आपकी बैलेंस बनी होती है कि एक स्किल जो होता है डॉक्यूमेंट का स्किल और शॉप फ्लोर का स्किल, दोनों में आपका बैलेंस होता है, आप दोनों चीज़ें अच्छी से सीख पाते हो। तो ये भी क्या है, एक अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, इसमें भी सैलरी अच्छी खासी मिलती है। जो डिपार्टमेंट है वो है PDC डाई कास्टिंग डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है ये बहुत ज़्यादा हीट से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, यानी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बट क्या है इस डिपार्टमेंट में भी ग्रोथ अच्छा है और इस डिपार्टमेंट से लोग अच्छे सैलरी पैकेज में भी जाते हैं। बट इसकी सबसे लैक पॉइंट ये है कि इसमें आपको एक भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है टूल रूम एंड डाई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में मोस्टली उनको जाना चाहिए जो डिप्लोमा है या फिर ITI है। इस डिपार्टमेंट में नॉन टेक्निकल के लिए भी एक अच्छा सुनहरा अवसर प्रोवाइड करता है, जिसमें आप एक अच्छा आप स्किल सेट करके, यानी स्किल आप डेवलप करके, स्किल सीख करके आप अच्छी खासी सैलरी या अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल पर्सन भी होता है तो उसकी भी सैलरी नियर अबाउट क्या होती है, अगर वो 5-7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है तो वो 25,000 से 30,000 सैलरी उसको आसानी से मिल जाती है। इसमें जो होता है बहुत ही बारीक काम होता है, डाइयाँ बनती है या फिर डाइयों का मेंटेनेंस का काम होता है, तो बहुत ही इत्मीनान से और केयरफुली होकर के तरीके से फोकस होकर के काम करना पड़ता है। अगर कोई बंदा इसमें जल्दबाजी कर दिया तो क्या है, डाइयाँ बहुत ही महंगी होती हैं, लाखों रुपए की डाइयाँ होती है, और एक डाई में अगर थोड़ा सा भी अगर वो गलतियाँ कर देता है तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो इसमें जो होता है, इसी वजह से एक स्किल्ड पर्सन को हायर किया जाता है और इसी वजह से उसको सैलरी लगभग ठीक ठाक दिया जाता है। अब इस तरीके से हम अपने जो टॉप 10
डिपार्टमेंट है उसको कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने जो हमारा टोटल रिजल्ट है, यानी फाइनल जो रिजल्ट है मेरे हिसाब से कि जो वेस्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए इन पांचों पॉइंट के हिसाब से, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिलेट करता है कंपनी के टर्नओवर से रिलेट करता है। और ये क्या है, जो सारे काम होते हैं वो रियल जो काम होते हैं वो इसी डिपार्टमेंट के द्वारा होते हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। इसमें क्या है, आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि आप एक छोटे लेवल से शुरू करके आप एक ऊंची से ऊंची लेवल तक जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सैलरी के अच्छे खासे ग्रोथ हैं, चाहे वो MNCs हो या फिर इंडियन बेस्ड कंपनी हो। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।